कुछ भाई लोग ऐसे हैं कि समाज की अगर लड़कियां जो डांस करती हैं या फालतू की वीडियोस बनाती हैं, शॉर्ट्स कपड़ों में वीडियोस बनाती हैं, तो उन्हें तो बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा लोग शेयर करते हैं। वहीं अगर मैं कल्चरल वीडियोस बना रहा हूं, समाज से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों का प्यार कहीं ना कहीं कम दिखाई देता है, जो कि ये गलत बात है। आप जैसे भाई लोग अगर खुलकर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि हम कंटिन्यू वीडियोस बना पाएंगे। इसलिए बस उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू प्यार देंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहेंगे। हेलो भैया और राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बंजारा फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कई भाई लोग कई दिनों से मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भैया आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, भैया आप वीडियो लाइए, भैया वीडियो लाइए। तो फाइनली एक मैं रिएक्शन वीडियो आज आप लोगों के सामने लाया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देंगे और बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम कंटिन्यू और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, जो भी भाई लोग यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे हैं, उन सारे कमेंट्सों को मैं पढ़ता हूँ, और जो भी भाई लोग पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और जो भाई लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपके विचार हैं, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, नो इश्यू, लेकिन आप लोग कंटिन्यू ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हाँ, जो भी आपके दिल में है बोलते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन वीडियो। ये आपने कई जगह पे देखा होगा कि जब हम लोग अपना खुद का इतिहास बताते हैं तो कई लोग जो अपने ही भाई लोग हैं उनको भी यकीन नहीं होता है। ऐसे ही जब मैं बंजारों का इतिहास यानी वीर बाबा लक्की शाह जी के बारे में पिछले टाइम से कई वीडियोस बनाया और कई जानकारियां साझा की, तो कुछ भाई लोग कह रहे थे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और हमारा कुछ इतिहास ही नहीं है, यानी कि निगेटिव शब्द बोल रहे थे कि नहीं हमारा कुछ इतिहास ही नहीं है, हम लोग तुम तो फालतू में बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो ये चीजें। लेकिन जब ये चीजें जब कोई दूसरा यानी अदर कास्ट का लोग अगर उसे संसद में बोल रहा है तो आपको क्या लगेगा कि ये भी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, बीजेपी सांसद ब्रजलाल जी हैं जिन्होंने संसद में दाड़ते हुए वीर बाबा लक्की शाह जी का इतिहास बताया। तो आपको सबसे पहले ये वीडियो देखनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हाँ, आप लोग जो भी ये लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी पता हो या आपको लगता है कि ये करेक्शन करके यहाँ पे ये होना चाहिए, तो आप लोग अपना सजेशन जरूर कमेंट्स बॉक्स में रखा करें। क्योंकि मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, जितना मुझे इधर उधर से जानकारी कलेक्ट करने में मिल पाता है वो सारी चीजें आप लोगों तक रखता हूँ। तो हो सकता है कहीं पे इसमें गलतियां भी हो सकती है, तो आप लोग जरूर इसे सुधारने में मेरी मदद करिए। जो बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने संसद में वीर बाबा लक्की शाह जी का इतिहास बताते हुए मांग रखी है कि एक सड़क वीर बाबा लक्की शाह जी के नाम पे भी होनी चाहिए, तो इससे आप लोग कितने परसेंट एग्री हैं आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं दिल्ली में किसी सड़क का नाम लक्की शाह बंजारा उस पर लाखा बंजारा के नाम पर रखने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, लक्की शाह बंजारा 17वीं शताब्दी के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे। समझ आया, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर थे 17वीं शताब्दी के, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उस समय के अंबानी वीर बाबा लक्की शाह जी थे। और आगे सुनिए। उनके पास 1 लाख से ज्यादा बैल थे जिससे वे ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। 1 लाख से ज्यादा बैल थे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो बंजारों का काम था कि सामानों को यानी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे एक जगह से, जैसे रसद हुआ या खाने पीने का सामान हुआ या हथियार हुए या बम बारूद हुए, यानी एक जगह से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया करते थे, पूरा पूरा ठेका ले लेते थे। और जो अपने समाज के लोग थे वो काफी ग्रुप के साथ चलते थे, हजारों की संख्या में चलते थे, लाखों की संख्या में चलते थे। इसी के नाम पे लक्की शाह, यानी लाखों बैलों का जो शाह यानी बादशाह हो उसे लक्की शाह बोलते हैं, इस प्रकार से बताया जाता है। तो पहले आप और भी वीडियो को पूरा देखिए। 1675 में वह रायसीना हिल में कैंप कर रहे थे। उसी दौरान 1675 में गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब में थे
और वहां पर पंडित कृपा राम कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनका जत्था या उनका महाराज जी बचाइए, औरंगजेब हम लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के बाध्य कर रहा है। वो वही पीरियड है जब हिंदुओं के इस्लाम स्वीकार करने की अभियान चलाया जा रहा था। सुन रहे हो, यानी कि जब मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया था, यानी मुगलों ने कई ज्यादा हिंदुओं के जो लीडर्स थे लोगों को कई ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते रहे, यानी कन्वर्जन चलाया, यानी कन्वर्ट करते थे लोगों को। महोदय उस समय पंडित कृपाराम जी आए, गुरु तेग बहादुर जी ने आश्वासन दिया कि मैं मदद करूंगा। उसके बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ आगरा आ गए, गुटका ताल, वहां से औरंगजेब ने उठवा लिया, चांदनी चौक लाया गया, इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। 9 नवंबर 1675 को उनके शिष्य मतीदास जी को आर्य से चीर दिया गया। दूसरे दिन 10 नवंबर को उनके शिष्य सतीदास को रुई में लपेट करके जला दिया गया और भाई दयाल दास को हाथ पैर मार करके कड़ाह में डाल करके उबाल दिया गया। जब गुरु जी को टॉर्चर किया गया, बाध्य किया गया, जब वो तैयार नहीं हुए तो 24 नवंबर 1675 को उनका सिर कलम कर दिया गया। यानी 1675 को उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। किनका? उनके गुरु का। अब उसके बाद लोग लाश के साथ भेद भी करते थे, लाखा बंजारा अपने सैकड़ों बैलों के साथ हल्ला बोल दिए, उनकी बॉडी उठाया और ले जा करके अपना घर जो था उसमें रख करके आग लगा दिया, गुरु जी का क्रिमेशन किया। ठीक है, जो भी भाई लोग ये बोलते हैं कि नहीं चोरी से गया, चोरी से, तो ये चीज गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए कि नहीं चोरी से जाके और शीश को उठा लिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आज जहाँ सिर काटा गया वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है, जहाँ उन्होंने क्रिमेट किया वो है गुरुद्वारा रकाबगंज। महोदय मेरा डिमांड है कि लाखा बंजारा वो है जिन्होंने सरोवर बनाए, उनका उसमें बहुत रोल है। मेरा कहना है कि यहाँ दिल्ली में तमाम विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रोड हैं, एक रोड को उनके नाम हटा करके लाखा बंजारा का नाम रखा जाए, उनके नाम पर रोड किया जाए, जिनका हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। सुना आपने, यानी कितनी बड़ी बात बोली है कि जो मुगलों के नाम पे भी आज के समय पे कई रेलवे स्टेशन हैं, कई सड़क हैं, पर जो कई ऐसे वीर योद्धा हैं बंजारा समाज के जो मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन जिसके बावजूद भी उनका इतिहास में कोई नाम नहीं है, ना ही उनके नाम पे कोई सड़क है, ना ही उनके नाम पे कोई रेलवे स्टेशन है, जबकि होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ ही रहे होंगे। आप लोगों को भी खुल के आवाज उठानी चाहिए। जब दूसरी कास्ट के लोग खुलकर के आवाज उठा रहे हैं तो आप लोग अपने समाज के ही होकर के भी अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और हाँ, आप लोग कमेंट्स करके बताइए रिएक्शन वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग ऐसी रिएक्शन वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर आप लोग कंटिन्यू ऐसे प्यार देंगे तो और भी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।